एक्टर्स को, स्कल्प्टर्स को, फिल्म मेकर्स और जर्नलिस्ट को लेकर साथ आए हैं ताकि हम देख सकें, डॉक्यूमेंट कर सकें कि यहाँ अभी क्या खूबसूरती बाकी है और क्या क्या तबाही फैल रही है। आपको पता है कि जो हमारा माहौल है ये बहुत तेज़ी से जो है तनाज़ुली का शिकार हो रहा है, बहुत ख़राबी पैदा हो रही है, मुल्क की आबादी काफ़ी बढ़ गई है, इसकी वजह से जितने हमारे कुदरती वसाइल हैं इन पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। 1972 में यहाँ नारान आया था, उस वक़्त यहाँ बेशुमार ग्लेशियर्स थे और अब मुझे वो ग्लेशियर या तो नज़र नहीं आ रहे या उनके साइज़ बहुत ही छोटे हो चुके हैं। और ये जगह बिल्कुल दरख्तों से भरी हुई थी लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनकी जगह पे इमारतें खड़ी हो गई हैं, होटल्स बन गए हैं, बाज़ार के बाज़ार बन गए हैं, तो उनमें भी खासी कमी हुई है। आप इमेजिन करें कि यहाँ, मैं क्या बताऊँ कि ये कैसा जंगल था, यहाँ पे ये पूरा थिक जंगल हुआ करता था, यहाँ से लेकर आगे तक थिक जंगल था, अभी जो बात की फील करते हैं कि ये जो बर्ड्स पहले में सुनने में आता है लोगों से कि यहाँ पे बर्ड्स काफ़ी थे जो कि आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मेरी पेंटिंग्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये इसको प्रिजर्व किया जाए और हम चाहते हैं कि ये जो दरख्त दिन ब दिन करते जा रहे हैं इसको रोकना चाहिए बल्कि और चीज़ इसमें लगाने चाहिए। मैं फोकस कर रही हूँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे और उसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे। इसमें जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि पास्ट 150 ईयर्स में जो प्लैनेट का बैलेंस था बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज कम है। यहाँ जो आर्टिस्ट आए हैं, देखिए आर्टिस्ट बहुत मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, वो अपने में रहते हैं, अपने ख्यालात की एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन इस रेजिडेंसी में जब वो माहौल में भुले मिले, उन्होंने देखा कि माहौल में क्या ख़राबी हो रही है और वो उसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं। दरअसल जब हम अपने कैनवस पे नेचर की किसी एक चीज़ को उतारते हैं तो वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उन्हें उस खूबसूरती का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो कैनवस पे अपने उस इलाके की खूबसूरती को उतरता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर एक बड़ी हैरत सी आ जाती है कि यार ए साडा इलाका इतना खूबसूरत सी, जो वहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं और आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं और आकर पेंट कर रहे हैं। आर्ट और नेचर जो है मेरे हिसाब से दोनों का बहुत डीप एक रिलेशन है और ये जो रिलेशन है ये कोई बिल्ड नहीं किया जा सकता, ये बिल्ट इन होता है मेरे हिसाब से। अगर खुदा ना खास्ता ये माहौल कभी हमसे छिन गया तो हम सदियों तक इसको वापस लेके नहीं आ सकते। हम जैसे अपना घर साफ रखते हैं हमें बिल्कुल इसी तरह अपना एनवायरनमेंट भी साफ रखना चाहिए। जो कुछ मसाइल हैं हमारे माहौल के, शायद उसमें सब मिलजुल के हिस्सा डाल के उनको कम करने की कोशिश करें। दरख्त कोई भी लगा सकता है और अपना कचरा खुद कोई भी उठा सकता है।